पैसा वसूल, 70 mm का पर्दा पूरा फाड़ दिया, क्या काम किया पब्लिक, इतनी सीटियाँ ताले, इंटरल के बाद पूरा धमाल करा सनी देओल ने। इसमें इमोशन के साथ एक्शन आते, वही सनी देओल ने वही दिखाया हमें, ये बहुत कम आता है फिल्म इंडस्ट्री में आजकल, बॉलीवुड में नहीं दिखता, सिर्फ टॉलीवुड में दिखता है या फिर राजू मौली की फिल्मों में दिखता है, लेकिन इस फिल्म में दिखा है। हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ सिनेमा जगत के जो सबसे बड़े क्रेजी फैंस हैं, ठीक है, वो है मेरे साथ अमर जी, जो दुबई से यहाँ पर आए हैं हमारे मुंबई में, हमारे हिंदुस्तान में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉबी भाई, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग ऑन फिल्मी फीवर। इन्होंने देख लिया है गदर 2, एक ऐसी फिल्म जिसने गदर मचा दिया है और आज भी गदर मचा रही है, आज तो इन्होंने फिल्म भी देख लिया है। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे हमारे देश में आए हुए हमारे अमर जी, क्या कहेंगे, कैसी लगी? पहले रवि, मैं आपका चैनल देखता था वो टाइम से जब हमारे लालू जी थे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देयर, एंड मुझे आप थैंक यू बोलेगा कि मैं बॉबी यहाँ पर है मेरे वजह से, नहीं तो वो भी इधर जाते थे। फिल्म मैंने पहले से बता दिया सबको कि ये फिल्म इमोशन से जुड़ी हुई है हमारे साथ, रिलेशन मेरा 2001 से यही फिल्म के साथ था, बचपन से मेरा रिलेशन बॉलीवुड के साथ है धर्म जी की वजह से, तो ये सारे के सारे एक साथ इमोशन यहाँ पर आ गए मेरे पास। यहाँ पर आके मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे आंखों में थोड़े आंसू भी आ गए, मेरे बचपन की याद आ गई, फिल्म जो फिल्म वो ज़माने में आती थी इतना पड़ाव लाती थी, लोगों का मोहब्बत लाती थी, वो इस फिल्म में दिख रहा था मुझे। एनीवे ये फिल्म आई बिलीव ये फिल्म एक ऐसी फिल्म रहेंगी जो यादगार रहेंगी, ऐसी नहीं कि दूसरा पार्ट बन गया और ख़त्म हो गया जैसे कि रेस का या फिर वगैरह वगैरह। ऐसी फिल्म में एक्शन भी जो आता है, एक्शन जो बोलते हैं लोग, अरे इट इज़ ओवर एक्टिंग, ओवर द समथिंग लाइक दैट, नो, इसमें इमोशन के साथ एक्शन आते, वही सनी देओल ने वही दिखाया हमें, ये बहुत कम आता है फिल्म इंडस्ट्री में आजकल, बॉलीवुड में नहीं दिखता, सिर्फ टॉलीवुड में दिखता है या फिर राजू मौली की फिल्मों में दिखता है, लेकिन इस फिल्म में दिखा है वही इमोशन, दिखा है वही इमोशन, वही क्रेज, सीटियाँ बजाना, तालियां बजाना, थिएटर में नहीं हम स्टेडियम में आ गए। आप बताएं, आप तो हैं, आपने तो हैंडपम्प उखाड़ा है आज। अरे हैंडपम्प का सीन है जो पिक्चर में है ना, वो पिक्चर का हाईलाइट सीन है, पिक्चर इंटरवल के बाद जो सनी देओल ने काम किया है, पैसा वसूल, 70 mm का पर्दा पूरा फाड़ दिया, क्या काम किया पब्लिक, इतनी सीटियाँ ताले, इंटरल के बाद पूरा धमाल करा सनी देओल ने, मतलब जो बोला इतिहास 20 साल के बाद दोहराया जाता है, तो वाकई में इतिहास 20 साल के बाद दोबारा दोहराया गया, जो 2001 में हुआ था वही 2023 में हो रहा है, गदर में वापस दोबारा सनी देओल ने गदर मचा दिया, इट्स अ सुपर ब्लॉकबस्टर। आप ये बताइए, मैं क्योंकि आप सनी देओल के बड़े फ़ैन भी जाने जाते हैं और क्योंकि आप गेटअप में हैं पता चल भी रहा है, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सनी देओल जो हैं काफ़ी लंबा इन्होंने गैप लिया है और फिल्म में काफ़ी टाइम से आते हैं, लेकिन आज जो गदर आई है इससे ये बात साबित हो गया है, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग हो गई या फिर उनका जो क्राउड हो गया उस पर उनकी बहुत ही मजबूत पकड़ है, ऐसे में अगर वो 2 साल के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में अगर वो फिल्म लेकर आते हैं तो कितना बड़ा तहलका मच सकता है। देओल फैमिली अगर एक्शन फिल्म करेगी ना तो उनकी फिल्म हमेशा पब्लिक देखने को आएगी आएगी, बिकॉज़ दे आर द रियल एक्शन हीरोज। अगर आप सनी लियोन को बोलो पूजा करे तो कोई देखने को नहीं आएगा, सनी लियोन नूरा फतेही को बोलो बुरका पहन गया तो कोई नहीं देखने आएगा, तो इसी तरह सनी देओल एक्शन करेंगे तो लोग देखने के आई जरूर आएंगे, जैसे कि अनिल शर्मा जी ने जिस तरह की फिल्म बनाई है, मतलब रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, सब कुछ, ड्रामा, सब कुछ पिक्चर में टोटल मसाला पूरा पैकेज दिया है ऑडियंस को, तो मतलब ऑडियंस इतनी सीटियाँ तालियां बजा रही तो सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, आधा डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई कैसे दे सकता है क्योंकि स्टेडियम में बदल चुका है हमारा थिएटर, बिल्कुल बदल चुका है थिएटर, बदल चुका है स्टेडियम में, ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी बचपने की याद आ गई। और दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे थे सनी देओल 2 साल में या 1 साल में आए, अभी उनकी फिल्म जो आएंगी बाप, उसका क्रेज देखेगा कैसा रहेगा, इस फिल्म की वजह से कैसा क्रेज रहेगा और कैसा पब्लिक का ध्यान रहेगा उस फिल्म के ऊपर। पहले तो शायद ध्यान थोड़ा ऐसा दूसरे फिल्म में आने वाली है, शाहरुख खान, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि नो दिवाली, नो ईद, नो क्रिसमस, ऑर्डिनरी फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई है, और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड और रजनीकांत की जेलर के साथ क्लैश होने के बावजूद पिक्चर हाउसफुल है, जितनी पब्लिक अंदर है उतनी पब्लिक बाहर है, तो
पब्लिक का इतना डिमांड बढ़ गया तो जो थिएटर के ओनर है मनोज देसाई जी, उन्होंने और इसे थिएटर में फिल्म डाल दी, गदर ग्लैमर में भी डाल दी। यही नहीं, मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा क्राउड है, पुलिस के वैन आ गए, पुलिस की वैन भी आ गई अरे मारा मारी हो रही टिकट के लिए। दोस्तों मतलब जो 80s और 90s का जो दौर था, लोग टिकट के लिए मारा मारी कर रहे थे, आज वही हो रहा है गेटी गैलेक्सी के बाहर। द टेम्पल ऑफ सिनेमा, द आइकॉनिक सिनेमा ऑफ इंडिया, गेटी गैलेक्सी के बाहर गदर, अंदर सनी देओल ने गदर मचाया, बाहर पब्लिक गदर मचा रही है। बिल्कुल जी, और ये एज में, यही एज में जो सनी देओल की जो एज है 67, ये एज में 67 में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो जो कहलाता है सुपरस्टार एज इन फ्रॉम द मीडिया, कि पब्लिक को वही एज में पब्लिक को लाए एज अ सोलो हीरो इन द मूवी, इट्स ओनली सनी देओल। बिफोर धर्म जी भी कह रहे थे हुकूमत में जब वो 58 के थे या उससे बड़े, लेकिन ऐलान जंग में वो तहलका में भी तहलका मचाए थे, लेकिन मीडिया ने उनको वो खिताब नहीं दिया। अभी आया टाइम कि मीडिया वाले खिताब दे सही इंसान को, सही हीरो को, वो है सनी देओल। सनी देओल ने इतनी पब्लिक लाई है, लोग बोले गदर की वजह से, गदर की वजह से ना, गदर में अगर कोई और एक्टर रहता वो बात नहीं होता, तो नहीं आती पब्लिक इतनी पब्लिक। लेकिन इस पिक्चर में एक चीज़ करने वाला सनी देओल ने, पिछली बार वो पाकिस्तान गए तो सिर्फ अमीषा पटेल को लेके आए, अब गए तो उनके बेटे को लेके आए, साथ में बहू को भी लेके आए, लेकर बहुत मजा आ गया, जो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में घुसकर मारा, ठीक है, लेकिन ये पिक्चर में ऐसा नहीं कुछ एंटी पाकिस्तान सा कुछ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म होती है तो बोला कि सब मजहब एक है, सनी देओल डायलॉग मारते के हिंदुस्तान के मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, क्रिश्चियन का जो, भी है, जो नफरत है ना, सबने लड़ाई, सब मैं बोलूंगा ये फिल्म ना नफरत के अगेंस्ट है। हाँ। बिल्कुल, ये ना किसी धर्म जाति किसी देश के अगेंस्ट नहीं है, ये नफरत के अगेंस्ट है फिल्म, और यही बात है लोगों को ये पसंद आ रही है। ये पहले से मैंने कहा था कि ये फिल्म इंसानियत पे है, फर्स्ट पार्ट में इंसानियत के बारे में थी, ये फिल्म में और ज्यादा इंसान दिखाई गई। जो एंड में जो डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा, रिवील नहीं करूंगा, वही डायलॉग से आपको पता चलेगा कि सारे के सारे मजहब, सारे के सारे इंसान एक बराबर के हैं। ये फिल्म इनडायरेक्टली आपको दिखाती है और ये बहुत अच्छा अच्छी बात है। अगर ये इमोशन आपके साथ जुड़ा था 2000 में, क्यों ब्लॉकबस्टर रही, क्यों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही फिल्म, क्योंकि सारे के सारे लोग जुड़ गए फिल्म के साथ, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तान हो या अरेबिया लोग हैं, वो जुड़ गए सब, क्योंकि इसमें मोहब्बत थी, वो पार्ट में मोहब्बत थी। मैं आपको बता दूँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वो मतलब सबसे, अगर एक अगर हम हो जाए ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी पावर हम बन सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका सब एक साथ मिल जाए, यूएई, आपके साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और हम ट्रेडिंग बहुत अच्छा करते हैं, रिलेशन अच्छे हैं। मतलब ये बोला क्लाइमेक्स में जो मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है सनी देओल जी ने, वो आप रिवील नहीं करो, लेकिन देखिए इंटरनल के बाद सनी देओल के जो काम किया है पाकिस्तान में, एंट्री मारी और जो डायलॉग एक्शन किया है, और इंटरनल के पहले किस तरह फिल्म की स्टोरी डेवलप होती है, सब देखिए, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। और हैंडपम्प का सीन हाईलाइट सीन, और इट्स सुपर ब्लॉकबस्टर गाइस, तो वॉच दिस फिल्म ओनली एंड ओनली इन थिएटर्स। सनी देओल हैज ब्लास्ट द स्क्रीन, और 67 की एज में सनी देओल ने इतना क्राउड लेकर आया, किसी का बाप भी नहीं ला सकता है, कोई भी नहीं ला सकता। और इससे दोस्तों ये बात तो साबित हो चुका है, सिनेमा एक ऐसा माध्यम है लोगों को एकजुट करता है, सिनेमा एक ऐसा माध्यम है आपको एनर्जाइज कर सकता है, आपको जीने की वजह दे सकता है, और आज साबित हो रहा है गदर 2 के जरिए। 22 साल पहले, एक जनरेशन क्या 5 साल में कहते हैं कि जनरेशन चेंज हो जाती है, 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज भी वही क्रेज है, वही इमोशन है, वही फीलिंग है, और आपके नज़दीकी थिएटर में जाकर देख सकते हैं। बात मैं रिवील करना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, किसी को पता है नहीं, मैं सनी पाजी का मुझे खिताब आया है और मैं उनके पास जाने वाला हूँ आज या कल, वो फिल्म के बारे में बात करने के लिए, और मेरा इंटरव्यू देखेगा मेरा चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, sure. तो हमारे ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे देश के गेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमद जी जो है हमारे देश में आकर या फिर अपने ही देश में रहकर भारतीय सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, उनका जो क्रेज़ है बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर कवर करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। वेलकम। और तो दोस्तों हमद जी और हमारे बॉबी जी का जो कन्वर्सेशन सुना, गदर 2 का जो रिव्यू आपने सुना, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें ऑल द क्रेज ऑफ सिनेमा फिल्मी फीवर। थैंक यू।